हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए, वेलकम टू शायद सर एजुकेशन पॉइंट। माय डियर, टुडे वी विल टॉक अबाउट यूनिट नंबर सेकंड, जो मैंने कल ही इंट्रोड्यूस किया था। तो उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए थे कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा मैकॉलेज मिनट। लेकिन मैकॉलेज मिनट से पहले हमें एक चार्टर्ड एक्ट पढ़ना है, 1813। वो चार्टर्ड एक्ट क्या है अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आपको नोट से पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं वहां आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हो और आप मेरे नोट्स को परचेज भी कर सकते हो। तो चले बेटा, विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। हमारा पहला टॉपिक जो होगा दैट विल बी चार्टर्ड एक्ट, 1813। इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं आपके साथ, वो स्लाइड से विद द हेल्प ऑफ स्लाइड आपके साथ शेयर करेंगे। हालांकि ये वाला मैंने कल ही आपको बताया था कि ये वाला टॉपिक आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला नोट जो है मैं आपको एक स्लाइड प्रेजेंट करूंगा। तो जितने भी पॉइंट्स उस स्लाइड में होंगे वो आप नोट डाउन कर सकते हो, कॉपी पे लिख सकते हो। ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं चार्टर्ड एक्ट 1813। उसके बाद हम डायरेक्टली आपको लेते हैं लॉर्ड मैकॉलेज मिनट जो है उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। माय डियर, तो यू कैन इजीली सी, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप पुराने प्लेलिस्ट में जा सकते हो, यहाँ वहां पे आप ये देख सकते हो। वहां पे भी बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स मैंने एक्चुअली वहां से स्क्रीनशॉट लिया है। तो लेकिन यहाँ पे भी हम बात करेंगे। देखिए, चार्टर्ड एक्ट 1300 में जो पहला पॉइंट आप लिखोगे, चार्ल्स ग्रांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स ग्रांट एन ऑफिसर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी पासेस एन एक्ट ऑफ 1813, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 बेसिकली क्या है, तो इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, यही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जिनका जिसका ऑफिसर चार्ल्स ग्रांट था, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इंडिया कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, कंपनीज इंटरेस्ट इन एजुकेशन, उन्होंने क्या किया, दे टुक इंटरेस्ट इन एजुकेशन बट इन वेयर, इन इंडिया। तो ये पहला पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, दिस एजुकेशन इज द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टेट को चाहिए, इट शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन। तो ये भी चार्टर्ड एक्ट में मेंशन किया गया कि एजुकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, दैट इज द स्टेट। ओके, एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि वी हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1 लाख रुपीज फॉर द एजुकेशन। We have to spend 1 lakh rupees for the annual budget जो होगा education का, हर साल हमें 1 लाख रुपया जो है खर्च करना पड़ेगा, किस पे, education system पे। ठीक है, foundation for state policy of education, तो ये chartered act जो है, it has laid the foundation for state policy of education, and the last point that you can see, it is the turning point of history of education, one of the important act 1813 जो है, इट बिकेम द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहां पे जो पॉइंट आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन था, ब्रिटिशर्स जो थे वही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे ड्यूरिंग दैट वेरी पीरियड। तो उन्होंने कहा कि भाई 1 लाख रुपया को खर्च करना है एजुकेशन पे, लेकिन उसमें क्या हुआ, कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई थी, और वो कंट्रोवर्सीज कैसे एंड अप हुई, उसके लिए किसको बुलाया गया, उसके लिए लॉर्ड मैकॉले को बुलाया गया, तो वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है लॉर्ड मैकॉले। तो चलते बेटा स्टार्ट करते। हाँ जी बेटा, आप देख सकते हैं, देखिए भाई, मैकॉलेज मिनट जो है इसका डेट आपको याद रखना है 1835। लॉर्ड मैकॉले जो है केम टू इंडिया एज ए लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल गवर्नर जनरल ऑन 1834। प्लीज मेक दिस करेक्शन। ओके,
इसको मेक इट करेक्ट हियर, इट इज नॉट 1934, इट इज बाय मिस्टेक माय डियर, इट इज 1834, आई रिपीट बेटा इट इज 1834। तो उस वक्त जो इंडिया में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट्स एंड ऑक्सीडेंटलिस्ट्स। अब ये ओरिएंटलिस्ट्स क्या है, ओरिएंटलिस्ट्स ये फेवर करेंगे इंडियन एजुकेशन को, यानी ओरिएंटलिस्ट्स दे सपोर्ट इंडियन लिटरेचर, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक। बट जो ऑक्सीडेंटलिस्ट थे ना, दे फेवर वेस्टर्न एजुकेशन। ओके, तो उस वक्त बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, और ऊपर से जो 1,00,000 रुपये को मतलब खर्च करना था किस पे, इंडियन एजुकेशन पे भी, वो भी एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गया था। तो इसलिए इसको एंड अप करने के लिए उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, यस माय डियर लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ही वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो सॉरी, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे उसका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस कंट्रोवर्सी को एंड करने के लिए उसने क्या किया, इसने लॉर्ड मैकॉले को बुलाया। तो लॉर्ड मैकॉले जो है वो कब आया इंडिया, वो 10th of June 1834 में आया। क्यों आया, ताकि ये कंट्रोवर्सी जो है जो एजुकेशनल मैटर को लेकर वहां पे था, तो उसको एंड अप करे। ये बेसिकली लॉर्ड मैकॉले कौन था, ही वाज ए लर्नड स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड अ वेरी फ्लुएंट ओरेटर। ये बहुत जबरदस्त इंग्लिश नोइंग मैन था, और इसको ना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने चेयरमैन बनाया सोसाइटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो इट वॉज लॉर्ड मैकॉले हु सॉल्वड दिस प्रॉब्लम बाई रिप्रेजेंटिंग फोर्सफुल मिनट्स इन फेब्रुवरी 1835। तो इस कंट्रोवर्सी को एंड अप किसने किया, फोर्सफुल मिनट्स उसने दिए, फोर्सफुल मिनट्स उसने दिए, और जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी एंड हुई। कंट्रोवर्सी क्या थी बेटा, देखो इंडियंस जो है वो चाहेंगे ना वो अपना ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखे, संस्कृत, पर्शियन एक्सेट्रा। जो ऑक्सीडेंटलिस्ट हैं वो चाहेंगे कि हम इंग्लिश लिटरेचर को, इंग्लिश को यहां ज्यादा फेवर करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट डिमांडेड हिज एडवाइस फॉलोइंग टू इश्यूज। तो वो दो इश्यूज क्या है वो पहले समझेंगे। कुड द ग्रांटेड मनी ऑफ रुपीज 1,00,000 स्पेंट इन एनी वे बिसाइड्स द ओरिएंटल एजुकेशन, व्हाट वॉज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ 1813। तो दो इश्यूज थे जिन पे लॉर्ड मैकॉले ने डिस्कस किया, एक 1,00,000 रुपये को लेकर बात करेंगे, और ये एक्चुअल मीनिंग क्या है 1813 का, तो इसी पे इसने बात की। तो मैकॉले डिड नॉट टेक पार्ट ऑफ एनी पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया, नॉर डिड ही एवर पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ से, ही गेव हिज फेमस मिनट्स इन फेब्रुवरी 1835 एंड हेंस दिस वॉज कॉल्ड एज मैकॉलेज मिनट। ठीक है बेटा, तो वो मैकॉलेज मिनट के फीचर्स पे जल्दी जल्दी से आएंगे। देखो लेट मी टेल यू, मतलब मैं यहां से ही आपको बता देता हूं कि लॉर्ड मैकॉले जो था सिंस ही वाज एन इंग्लिश मैन, तो इसने इंग्लिश को सपोर्ट किया। ठीक है, इसने इंग्लिश की इंपॉर्टेंस हमें बताई। तो आज अगर हम देखेंगे ना, आज जो आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इट इज बिकॉज ऑफ द लॉर्ड मैकॉले, तो ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि ये इसने बहुत सारे मलिशियस जोक्स क्रिएट किए हैं इंडियन लिटरेचर को लेकर, इसने बहुत ज्यादा मतलब क्या साइडलाइन किया, इसने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया इंग्लिश इंडियन लिटरेचर को। आगे आगे देखेंगे उसने क्या क्या कहा, लेकिन सबसे पहले मतलब बड़े बड़े पॉइंट्स, हम मोटे मोटे पॉइंट्स हम आपको हाइलाइटेड पॉइंट्स बताएंगे कि लॉर्ड मैकॉले ने पॉइंट्स में क्या कहा। अगर पहला पॉइंट हम देखेंगे बेटा, देखो आराम से आप याद देखेंगे, मीनिंग ऑफ द लिटरेचर, इसने पहला पॉइंट वर्ड लिटरेचर का मतलब क्या है, इसने लिटरेचर को यहां संस्कृत या अरबिक लिटरेचर नहीं बताया, इसने कहा कि आर्टिकल 1813 में जो लिटरेचर का मतलब है दैट इज ओनली इंग्लिश लिटरेचर, नॉट संस्कृत अरबिक। तो इसका मतलब क्या है, ये खाली इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन इसने किसको इग्नोर किया, संस्कृत को, अरबिक को, पर्शियन लिटरेचर को। ये अरबिक, संस्कृत, अरबिक और पर्शियन जो है इट इज इंडियन लिटरेचर, लेकिन इसको इसने कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसने किसको इंपॉर्टेंस दी, इंग्लिश को। तो ये पहला पॉइंट था। ओके, नंबर सेकंड, इंडियन स्कॉलर, हु इज इंडियन स्कॉलर, अकॉर्डिंग टू मैकॉले वो कहता है कि मैकॉले कहता है कि आर्टिकल 1813 में तो क्या लिखा गया कि स्कॉलर का मतलब है जो
जो क्या, एक मिनट, इस ये तो हैंग हो गया। ओह शिट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी बेटा, तो यहां पे आप इंडियन स्कॉलर किसको कहेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकॉले, वो कहता है कि इंडियन स्कॉलर का मतलब है, इंडियन स्कॉलर का मतलब है जिसने लोकेज फिलॉसफी, मिलिटेंस पोइट्री, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो। स्कॉलर वो नहीं है जिसने संस्कृत लिटरेचर या अरबिक लिटरेचर या पर्शियन लिटरेचर पढ़ा हो। तो अगेन ही इज क्रिटिसाइजिंग द इंडियन लिटरेचर। तो इंडियन स्कॉलर इज नॉट द स्कॉलर हु हैज रेड इन द संस्कृत और पर्शियन, नो, इंडियन स्कॉलर इज दैट स्कॉलर हु हैज लर्न द इंग्लिश लिटरेचर। ओके फाइन, नंबर नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज पर द मैकॉले। वो कहता है, मैकॉले कहता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इंग्लिश। अगर हमने संस्कृत और पर्शियन को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा तो वी आर गिविंग फॉल्स नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। तो आप ये देखिए, क्रिटिसाइजिंग द नेटिव लिटरेचर एंड लैंग्वेज, लॉर्ड मैकॉले एडवोकेटेड फॉर इंग्लिश टू बी मेड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो कहता है, ये पॉइंट आप नोट करें बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन अरबी। तो व्हाट डज इट मीन माय डियर? तो एक खाली एक शेल्फ ऑफ यूरोपियन लिटरेचर इज इक्वल और मच इंपॉर्टेंट टू द होल इंडियन लिटरेचर। तो इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है इंडियन लिटरेचर के लिए? तो ही क्रैकड मेनी मैलिशियस जोक्स ऑन इंडियन लिटरेचर। सो दैट मीन्स ही इज टोटली इग्नोरिंग, यस ही इज टोटली इग्नोरिंग द इंडियन लिटरेचर माय डियर। इसने कभी सपोर्ट ही नहीं किया इंडियन लिटरेचर को, इसने क्रिटिसाइज किया, इसने जोक्स मारे हैं किस पे? संस्कृत, अरबिक, पर्शियन पे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ही सपोर्ट्स टू इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर को उसने सपोर्ट किया, क्यों? क्योंकि उसने इसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन की। तो इंपॉर्टेंस आप नोट्स में खुद देखोगे। तो सिंपली नंबर नेक्स्ट माय डियर, नंबर नेक्स्ट इज प्रपोजल फॉर प्रिपेयरिंग कोड इन इंग्लिश। रिलीजियस कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, मैकॉले वॉज ए सेक्युलर माइंडेड, तो ही डिड नॉट लाइक टू इंटरफेयर विद द रिलीजियस इन इंडिया। तो इसने कहा कि आई एम ए सेक्युलर माइंडेड, आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, सो वी शुड नॉट टेक इन टू कॉन्सिडरेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। तो इसने टोटली रिलीजियस कॉन्सेप्ट को साइडलाइन किया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर द मैकॉले व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू मैकॉले द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी डेवलप सच पर्सनैलिटीज हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर। तो आई नीड दोज इंडियंस, आई नीड दोज पर्सन्स हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट उनका टेस्ट अंग्रेजी होना चाहिए। तो देखिए, पर्सनैलिटीज हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल एंड इंटेलेक्ट। नंबर नेक्स्ट, ग्रांट यूटिलाइजेशन। अभी चार्टर्ड एक्ट में जो 1 लाख रुपी ग्रांट आया था, इसको कैसे खारिज करें? लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि भाई इसको कैसे खारिज करना है, जितना भी यूरोपियन, जितना भी संस्कृत, पर्शियन, अरबिक लिटरेचर है उसको कन्वर्ट करो इंग्लिश लिटरेचर में। तो जो कुछ भी खर्चा आएगा ना, वो 1 लाख रुपया उसी पे आप डिस्बर्स करो। अकॉर्डिंग टू मैकॉले ऑल द ग्रांट इज गिवन फॉर एजुकेशन शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द स्प्रेड ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस। तो ये जो लिटरेचर था इंडियन का, संस्कृत में, व्हाटएवर, तो सबको कन्वर्ट करो इनटू यूरोपियन, यानी इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करो। तो जो कुछ भी पैसा लगेगा ना, वो ग्रांट 1 लाख रुपया जो था, वो उसी पे आप खर्च करो। तो यू कैन सी माय डियर व्हाट वर द फोर्सफुल मिनट्स गिवन बाय लॉर्ड मैकॉले। तो जितने भी फोर्सफुल मिनट्स लॉर्ड मैकॉले ने दिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको अप्रिशिएट किया। बट देयर वाज वन पर्सन हु वाज टोटली अगेंस्ट इट, जिनका नाम है प्रिंसेप। शायद लॉर्ड प्रिंसेप ही इसको कहते हैं, बट प्रिंसेप जो था वो इंडियंस को सपोर्ट करता था, वो इंडियंस को सपोर्ट करता था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकॉले को सपोर्ट किया। ठीक है, तो दिस दीज वर सम इंपॉर्टेंट एंड फोर्सफुल मिनट्स
गिवन बाय लॉर्ड मैकॉले। अब देखिए मैकॉलेज कंट्रीब्यूशन, अब जल्दी जल्दी से देखें, मैकॉलेज मिनट हेल्प टू वाइंड अप ओरिएंटल, ओके नो डाउट इसने कंट्रोवर्सी को एंड किया, बट दैट कंट्रोवर्सी वाज डस फोर्सफुल मिनट से उसने इस कंट्रोवर्सी को एंड अप किया। मैकॉले लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न, देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन की फाउंडेशन लॉर्ड मैकॉले ने दी है। ही कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ साइंस वेस्टर्न लिटरेचर एंड वैल्यू इन इंडिया, ओके साइंस एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन इसी के बदौलत आई यहाँ पे। टू स्प्रेड द इंग्लिश एजुकेशन हेल्प्ड इंडियंस टू बिकम एक्वेंटेड विद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द कंट्री, ओके इंग्लिश की मदद से बहुत सारे डेवलपमेंट आए, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस माय डियर। अगर हम मेरिट्स की बात करेंगे बेटा, मेरिट्स की बात अगर करेंगे, इट वॉज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी, डेफिनेट पर्पज ऑफ एजुकेशन लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर इंग्लिश स्कूल्स, इंग्लिश इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रमोशन ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी, तो फिल्ट्रेशन थ्योरी वॉज प्रमोटेड बाई लॉर्ड मैकॉले, ओके। अगर हम डिमेरिट्स की बात करेंगे ना बेटा, लेड टू द क्लोजर, इसने क्लोज किया संस्कृत पाठशाला एंड अरबिक मद्रसास, कॉज्ड द सेटबैक ऑफ ओरिएंटल लर्निंग, it neglected local languages, it abandoned mass education, it opposed Indian culture and religion, ye to saaf zahir baat hai na, to these are my dear recommendations you can say, ya minutes bol sakte ho uske merits or demerits, I hope beta aapko lord macaulay ka concept achhe tarah se samajh aaya, nutshell mein ek hi baat kahenge, lord macaulay jo tha usne kabhi support sanskriti literature ko nahi kiya, isne khali support kiya english education ko, bas itna hi aapko yaad rakhna hai, theek hai, I hope beta you have enjoyed this lecture, if really then like my video, share my video and please do subscribe to my channel if you have not subscribed yet, okay, and one more thing beta, if you need my notes so please and please contact me and get your notes and be happy with your learning, thank you, may Allah bless you and keep always learning.